हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड ए ट्रिस्ट विद लॉ सम टाइम इन आवर लाइव्स एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट और प्रोसीजर के लिए, प्रोसीजर फॉर ट्रायल, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है अपने केस मैट में, दैट इज टाइटल्ड एज दरोगा सिंह वर्सेज बी के पांडे, और ये 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस है। दोस्तों, इसमें हुआ ये था कि भागलपुर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज, कि यहाँ कोई क्रिमिनल अपील चल रही थी, उसमें आयु का क्रॉस लेना था। अब वो आयु आ ही नहीं रहा था, तो उसमें नोटिस इशू हुई, समन्स गए, फिर एसपी के थ्रू बुलावा गया, कुछ नहीं हुआ, बेलेबल वारंट, फिर कुछ नहीं हुआ, तो एक शो कॉज नोटिस गई क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, क्यों नहीं इनिशिएट की गई, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ, उसका भी रिप्लाई नहीं आया, फिर उस पर भी वो अपियर नहीं हुआ। फाइनली एक दिन वो कोर्ट में अपियर हुआ, किसी लेट आफ्टरनून में, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट था। तो अब इसके जब बेल की जब हियरिंग हुई, तो उसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स इन सिविलियन ड्रेस आकर कोर्ट में हंगामा किए, स्लोगन चिल्लाए, और उसके बाद असॉल्ट बहुत बुरी तरीके से, एंड अपने एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज था उनका असॉल्ट हुआ। तो जब इसकी रिपोर्ट गई हाईकोर्ट के पास, तो हाईकोर्ट ने कहा कि दिस इज फिट केस फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन इनिशिएट करने के लिए। तो दोस्तों, इस केस में जो अब हाईकोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया, तब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये केस में सबसे पहला इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि सेक्शन 10 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के प्रोविजो से हाईकोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड ऑथोराइज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्यों दोस्तों, एक बार मैं सेक्शन 10 आपको पढ़ के बताता हूँ। दोस्तों, सेक्शन 10 डील्स विद पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लोअर कोर्ट, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास कंटेम्प्ट पावर नहीं है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ड्यू टू विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है, इसके प्रोविजो को सीधे पढ़ते हैं। नो हाई कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ कंटेम्प्ट अलेज्ड to have been committed in respect of a court subordinate to it where such contempt is an act offense punishable under the IPC। तो ये कहते हैं कि जिस भी कंडक्ट के लिए इनका कंटेम्प्ट एक्शन इनिशिएट हो रहा है, दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 228 IPC, विच रिफर्स टू कि आपने इंसल्ट कर दिया किसी पब्लिक सर्वेंट का जो जुडिशियल प्रोसीडिंग कर रहा है, या इंटरप्ट कर दिया तब। तो ये बोलेंगे सेक्शन 228 के चार्जेस इस पे लगते हैं, और इसलिए ये हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन से मतलब एक्सक्लूड हो गया है। बट देन सुप्रीम कोर्ट रिबफ्स दिस आर्ग्यूमेंट, और सुप्रीम कोर्ट रिफर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट बठिंडा रामकृष्ण रेड्डी वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1952 का। इसमें कहा गया है कि ये जो प्रोविजो बोला है, ये उन्हीं एक्ट्स के लिए कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है जो आईपीसी के अंडर कंटेम्प्ट की तरह पनिश हो रहे हैं, नॉट एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। उन सबको एक्सक्लूड नहीं कर रहा हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन से। वैसे तो दोस्तों, कुछ भी आप करेंगे, कोई ना कोई ऑफेंस ही तो कर रहे हैं, तभी तो कंटेम्प्ट आप इनिशिएट हो रहा है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट वैसे भी। तो इस तरीके से दिस इंटरप्रिटेशन की सारे, अगर कोई भी ऑफेंस अंडर आईपीसी इज मेड आउट, तो आप हाईकोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो जाओगे। दैट डिफ्यूज द वेरी राइट ऑफ हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लोअर कोर्ट। तो इसलिए ये आर्गुमेंट जो अपेलेंट का था, ये गलत हो गया। ऑल्दो कोर्ट ने ये नहीं बताया कि वो कौन कौन से ऑफेंसेज हैं जो कि कंटेम्प्ट को पनिश करते हैं, कौन से ऑफेंसेज आईपीसी के अंडर जो कंटेम्प्ट को पनिश करते हैं, बट सेक्शन 228 इज नॉट वन ऑफ दैट। उसके अलावा कोर्ट ये भी कहता है कि जो कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन इज वेरी वाइड, और इसका इट्स ओनली अ मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ इट कि सेक्शन 228 आएगा। सेक्शन 228 डील्स विद वही इंसल्ट और इंटरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ बाई पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल कैपेसिटी। तो और भी तरीके से कंटेम्प्ट होता है, तो कंटेम्प्ट का एरिया वाइडर है और दोनों चीज़ें चल सकती हैं। अब दोस्तों, इसके बाद दूसरा कंटेंशन ये लेते हैं कि हाईकोर्ट डजेंट हैव सुओ मोटो पावर फॉर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। और ये कहते हैं कि सेक्शन 15(2) पढ़ लीजिए। दोस्तों, 15(2) में एक बार आपको सेक्शन बताता हूँ। तो दोस्तों, 15(2) में ये लिखा हुआ है, 15 डील्स विद कॉग्निजेंस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन अदर केसेस। तो इसमें लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट में टेक एक्शन ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट और ऑन अ मोशन मेड बाय एडवोकेट जनरल, फिर ब्ला ब्ला ब्ला। तो दो ही तरीके हैं, जबकि 15(1) में फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ एक तीसरा तरीका था सुओ मोटो, जो 15(2) में नहीं दिया हुआ है। तो क्या इसका मतलब क्या, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए सुओ मोटो नहीं ले सकता है?
तो कोर्ट सेज कि दिस इज ऑल्सो नॉट रेस इंटीग्रा, दिस हैज बीन आंसर्ड बाई अनदर सुप्रीम कोर्ट केस विच इज एस के सरकार वर्सेज विनय चंद मिश्रा। तो इसमें कोर्ट ने सेक्शन 10 जो कि पावर ऑफ हाईकोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लोअर कोर्ट और सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 को हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट किया, और उसमें ये बोला कि सेक्शन 10 में, अच्छा सेक्शन 10 में मेन सेक्शन अभी मैंने आपको पढ़कर नहीं बताया था, उसके मेन सेक्शन में यही लिखा हुआ है कि एवरी हाईकोर्ट शाल हैव एन एक्सरसाइज द सेम ज्यूरिसडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी इन अकॉर्डिंग विद द सेम प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एज इट हैज एन एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ में सुओ मोटो है तो इवन फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट सुओ मोटो होना होगा। तो इस तरीके से इस ऑल द 15(2) में नहीं लिखा था, बट कोर्ट ने रेड किया कि हाँ भाई यहाँ पे भी सुओ मोटो हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे सुओ मोटो करना गलत है। अब दोस्तों का तीसरा कंटेंशन ये था कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, लाइक ए क्रिमिनल केस, तो आपको पूरा चार्ज लेआउट करना चाहिए, पूरी मतलब मेंस रिया दिखना चाहिए, आपको पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन की राइट देनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात एविडेंस आप एफिडेविट पर नहीं ले सकते हैं, और उसके अलावा जो भी एविडेंस है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो इस पर कोर्ट ये कहता है कि सबसे पहले तो ये कोर्ट कहता है कि जो ये क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं सुई जेनेरिस क्राइम्स होती हैं, तो दे आर नॉट बाउंड बाई CRPC या इंडियन एविडेंस एक्ट। दी ओनली रिक्वायरमेंट इज दे शुड बी फेयर एंड जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए, दैट इज देर शुड बी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू दी अदर पार्टी टू बी हर्ड, और उसको इट शुड नॉट द जस्टिस शुड नॉट बी ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। तो इसमें कोर्ट ये कहता है कि आपने कहीं पर मतलब कहीं पर आपने कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मांगा ही नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन इन इनफैक्ट इसी केस में अपना अजय पासवान केस में ये कहा गया था दोस्तों, ये एक अरुण पासवान केस था, ये भी सासाराम में सिमिलर केस हुए थे जिसमें पुलिस चले गए थे, जिसमें पुलिस जज को मारे पीटे थे, और इसका जजमेंट 2002 में आ गया था। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि इफ अ पार्टी फील्स टू अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन एट द अप्रोप्रिएट स्टेज इट इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम टेकिंग द प्ली, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं मिला और कि नेचुरल जस्टिस नहीं ऑब्जर्व हुआ। जबकि इस केस में कोर्ट ये कहता है कि आपको हर मोमेंट पे बताया गया था कि आपको भी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि एफिडेविट फाइल कीजिए, एफिडेविट को काउंटर करना है काउंटर कर लीजिए, कोई कुछ नए और विटनेसेस को लाने वो लाइए, तो इट वॉज इम्ब्यूड विथ फेयर एंड नेचुरल जस्टिस। उसके अलावा ये तो मैंने दोस्तों ने डिस्कस कर ही लिया कि जो ऑफेंस है कंटेम्प्ट का सुई जनरिस है, और ये कोई विनय चंद्र मिश्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज़ नॉट बाउंड बाई CRPC एविडेंस एक्ट। उसके बाद दोस्तों एक फाइनली कोर्ट ये कहता, ऑल्दो इट वाज नेवर कंटेंडेड, कि ऐसा आप नहीं कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रही है, दैट द जज इज सिटिंग इन हिज ओन कॉज। तो कोर्ट कहता है कि जो कंटेम्प्ट का पावर इट इज नॉट टू प्रोटेक्ट द जज पर से बट टू प्रोटेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस and also to protect the right of people to have trust and faith in the judiciary. तो इसलिए यहाँ पर वो वाला argument नहीं लगेगा कि नीमो जुडेक्स इन सुआ कॉजस सिने। तो दोस्तों इसके साथ ये सब कुछ सारे कंटेंशन जो थे, और एक फाइनल कंटेंशन ये था कि ये चाहते थे कि जब तक इनकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स और ये सब कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी जब तक नहीं देती हैं तब तक क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वो स्टे हो जाए। तो कोर्ट बोला कि ऐसी ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रिजल्ट जल्दी आना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में लोगों का फेथ बना रहे, इसीलिए समरी ट्रायल्स होते हैं। ऑल्दो समरी मतलब वी नो दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बट जस्टिस हरीड इज जस्टिस बेरीड, तो उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वैलिड नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी अ समरी ट्रायल ताकि जल्दी रिजल्ट आ जाए, लोगों का फेथ जल्दी रिस्टोर हो जाए, और इट और क्विक पनिशमेंट इज द बिगेस्ट डेटरेंस अगेंस्ट कंटेम्प्ट। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि स्टे नहीं होगा, साथ में चलते रहेगा, वो अलग चीज़ है, वो अलग चलती रहेगी। तो दोस्तों आई होप मतलब इसके साथ ही ये सारे पांचों पॉइंट आंसर हो गए, आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ, टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद अवर ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।